बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रशासन एक बार फिर कठोर कदम उठाते हुए रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक का लॉकडाउन लागू किया है, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन और नगर निगम के कर्मचारी लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। देखिए टाइम्स टुडे इंडिया की एक खास खबर। कोरोना संक्रमण का कहर लगातार जारी है। इंदौर में लगातार कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिसे देखते हुए राज्य शासन ने रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक का लॉकडाउन लागू किया है, जिसमें रात 10 बजे के बाद प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। साथ ही अनावश्यक रूप से घूमने पाए जाने पर चलानी कार्यवाही भी की जाएगी। पुलिस एवं प्रशासन के साथ साथ नगर निगम की टीमों ने भी कल रात विभिन्न थानाओं क्षेत्र पर कार्यवाही करते हुए 1000 से अधिक लोगों पर चलान बनाए। जो दुकान रात 10 बजे के बाद खुली है उन पर भी कार्यवाही की जाएगी। वहीं पुलिस और प्रशासन की टीमों ने देर रात को लेकर व्यवसायिक प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई करते हुए धारा 188 के तहत मुकदमा भी दर्ज किया। कोरोना काल को चलते हुए कल जो चेकिंग लगाई गई, कल शासन के आदेश से इंदौर शहर में रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक लॉकडाउन लागू किया गया है और कल उस लॉकडाउन का प्रथम दिन था। पुलिस प्रशासन और नगर निगम के द्वारा संयुक्त रूप से एक प्रभावी चेकिंग, मास्क नहीं पहनने वालों और समय से बाजार दुकान बंद कराने को लेकर गई। रात्रि 8 बजे से 10 बजे तक बिना मास्क के पुलिस के साथ नगर निगम के द्वारा 1000 से अधिक चालान बनाए गए और उसमें विशेष महत्वपूर्ण दुकानदारों के भी चालान बनाए गए, जो कि स्वयं ग्राहकों को नहीं रोकते बल्कि स्वयं भी बिना मास्क के शासन रहकर शासन प्रशासन के निर्देशों का उल्लंघन कर रहे हैं। और इसी के साथ साथ पूरी जिम्मेदारी के साथ 10 के साथ लोगों से उनके प्रतिष्ठान बंद कराने का अनुरोध किया गया, बंद कराए गए और जिन्होंने उसके बाद भी खोला था उनके विरुद्ध धारा 188 के तहत प्रकरण भी पाइन किए गए हैं।